विकास दुबे के एनकाउंटर पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कानून ने अपना काम किया है। अफसोस और मातम की बात उन लोगों के लिए होगी जो लोग कल कह रहे थे कि मर गया तो कैसे मर गया, कई राज दफन हो गए हैं। भाई अफसोस कर रहे होंगे, कल कुछ और कह रहे थे और आज कुछ और कह रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने अपना काम करके उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया। मध्य प्रदेश पुलिस उसको सीमा तक छोड़कर आई थी। दिग्विजय सिंह और अखिलेश यादव ने ट्वीट पर कहा, दिग्विजय सिंह के पास कोई काम नहीं है इसलिए ट्वीट करते रहते हैं, किसी आतंकी के लिए कभी उन्होंने ट्वीट किया। ने अपना काम किया है, अफसोस और मातम की बात उन लोगों के लिए होगी जो लोग कल पकड़ लिया तो कह रहे थे कि जिंदा क्यों पकड़ लिया, आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कई राज दफन हो गए, ये वो अफसोस कर रहे होंगे जो कल कुछ और कह रहे थे आज कुछ और कह रहे हैं। कल दोनों जगह भाजपा की सरकार है ऐसा कह रहे थे। मित्रों, मध्य प्रदेश की पुलिस ने अपना काम किया, गिरफ्तार करके उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया। पूछ लो आपने, गैस बनती रहेगी। हाँ। सर, मध्य प्रदेश पुलिस खुद चाहती थी कि जो विकास दुबे सुरक्षित पहुंचे ही ना। मध्य प्रदेश पुलिस उसको सीमा तक छोड़ के आई है, रात में उन्होंने अपनी सीमा की बॉर्डर से सुरक्षित उनको दे दिया। आपके पुलिस अधिकारी से सवाल किया गया, क्या विकास दुबे सुरक्षित पहुंच पाएगा, तो उनका कहना था मैं उम्मीद करता हूँ ना पहुंचे। ये उनका सोच हो सकता है, इस वक्त आप गृह मंत्री का सोच पूछ रहे हैं, मैं अपना बता रहा हूँ। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि ट्वीट कर रही थी कांग्रेस, कल सवाल खड़े कर रही थी ये जिंदा कैसे पकड़ लिया, इतना दुर्दांत अपराधी आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कहीं राज दफन हो गए। सर, कभी आपने देखा है कि इतनी ज्यादा त्वरित उन्होंने किसी आतंकवादी के लिए कराओ, नहीं कर सकते वो। कांग्रेस का सोच और मानसिकता भी परिलक्षित होती है, हमेशा सेना को कटघरे में खड़ा करना, जावाज पुलिस अफसरों को खड़ा करना, ये कांग्रेस की मानसिकता है। सीबीआई जांच की मांग कर रही है और साथ में ये कह रहे हैं कि सरकार, अब क्या बचा है उसमें, सरकार ना पलट जाए इसलिए जल्दबाजी में गाड़ी पलटा दी, क्योंकि सफेद पोस्ट जो नेता लोग संरक्षण दे रहे थे उन्हीं की पार्टी का था, वो क्यों कह रहे हैं। हमारे पास तो वो पोस्टर रखे हैं जो ये कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया, उनकी पार्टी का है, उनकी माँ ने कल कहा है बेटे की ने। कल कांग्रेस ने आप पे भी आरोप लगाए थे कि आप कानपुर के प्रभारी थे, यहाँ उज्जैन के प्रभारी। अब फुर्सत में है वो तो क्या करेंगे, ट्वीट ही कर सकते हैं। देखो, दिग्विजय सिंह जी को कभी कोई रैली सभा में तो बुला नहीं रहा, न वो जाने वाले, तो अब ट्वीट ही तो करेंगे वो बैठे बैठे, इससे भी आप अधिकार छीनना चाहते हो उनका। सर, वो सवाल कह रहे हैं कि कई ऐसे बड़े राजनेता हैं जिनके नामों का वो खुलासा कर देता, तो वो जिंदा पकड़ लिया तो कह रहे थे जिंदा क्यों पकड़ लिया, खुलासा करना होता तो कौन ने रोका था, कल वो 17 घंटे 12 घंटे रहा, ऐसा नहीं है। इनको तो हर चीज पर मातम मनाना है। सर, मध्य प्रदेश पुलिस ने 8 घंटे बातचीत करी, उसमें उसने क्या कुछ खुलासा किया, कुछ बताया उसने किस तरीके का रुका था, किस तरीके से आया गया, किन लोगों ने उन्हें संरक्षण दिया था, क्योंकि ये हुआ कि 2 दिन से उज्जैन में था वो, तो जब अलर्ट जारी किया हुआ था गृह मंत्रालय की तरफ से, 2 दिन से उज्जैन में नहीं था, और महसूस नहीं होती उसका। सर, कोई जानकारी उसने दी आपको कि कैसे आया ये जो सवाल? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। पुलिस को, आपका मतलब पुलिस को, पुलिस को 8 घंटे पूछताछ करी तो सर उसने क्या बताया, कुछ बताया भी नहीं क्या? अपराधी है, अपराध की बात हुई, पर अपराध जैसे घटित हुआ आप सबको मालूम है, वही उसने बताया, नई बात कोई नहीं बताई। सर, मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा कब तक होगा? बहुत जल्दी हो जाएगा, प्रतीक्षा करिए। सर, क्या आज उम्मीद की? आज बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उसके बारे में आपकी जिज्ञासा नहीं होती। आज प्रधानमंत्री जी इतने बड़े सोलर उसका, जिससे पूरे देश को लाभ मिलने वाला है, प्रदेश को लाभ मिलने वाला है, आप सब इस बात को जरूर कहें कि आभार प्रधानमंत्री जी का कि पूरे देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए आज बड़ा सुखद क्षण है कि वो हमारे सबसे बड़े पावर प्लांट का रीवा में उद्घाटन करने जा रहे हैं। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू।